बीती 10 मई को F84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों की पानी में डूबकर मौत होने की पुष्टि की गई थी, लेकिन परिजनों द्वारा खून से लथपथ बच्चों के शव देखकर पीट पीट कर उनकी हत्या करके शव नदी में फेंके जाने की शंका जताई गई थी। जिला प्रशासन ने परिवार की मांग पर आज शवों को कब्र से निकलवा कर दोबारा पोस्टमार्टम कराया है। मृतकों के चाचा ने बताया कि दोनों बच्चे तरबूज खाने गए थे, वहीं गंगा पार के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पीट पीट कर गंगा में फेंक दिया। हम खेड़ागाड़े से आए हैं, मेरा नाम शिव दुलारे है, मेरा थाना फतेहपुर 84 लगता है। सर, ये एक दिन बच्चे गए थे तरबूज खाने, मुझे पता नहीं था कि बच्चे तरबूज खाने निकल गए। सोमवार को वहाँ प्लेज वालों को लोगों ने मारा पीटा और उनका काफ़ी नुकसान किए थे। ये मंगलवार को ये बच्चे पहुंच गए उसी प्लेज में, वो सोचे कि आज ये उसी गांव के आ गए, ये बच्चे आ गए, तो उन्होंने रंजिश थी, ये बच्चे से ना पूछे ना जांचे उनको मतलब मार ही दिए। जो सौरभ ये तीनों गए थे एक ही तरबूज खा पाए थे ये, और देखा सौरभ ने देखा कि ये दौड़ते हुए आ रहा है, जो बड़ा लड़का था वो डंडा लिया हुआ था, तो सौरभ ने बोला भागो यहाँ से, आ गए हैं। तो बोला आज भाग के जाओगे कहाँ, आज साले मार ही दूंगा तुमको हम।